नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने मंगलवार को हरियाणा निवास में बिजली विभाग से जुड़े विभिन्न निगमों तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की परिचयात्मक सह समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक के दौरान पावर पॉइंट प्रोजेक्ट के माध्यम से दोनों विभागों की उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसी दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिजली से संबंधित शिकायत केंद्रों पर जनसाधारण की शिकायतें गौर से सुनी जाए और इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारी तथा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बिजली की सप्लाई 8 घंटे से बढ़ाकर के 10 घंटे करने के निर्देश भी दिए। वहीं पर्यावरण प्रदूषण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को पराली का तुरंत और स्थायी समाधान निकालने के भी आदेश दिए। वहीं बैठक में बताया गया कि पराली के निपटान के लिए प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए IOCL के साथ एक समझौता किया गया है। 1000 TDP तथा CGB उत्पादन की 200 परियोजनाओं में लगभग 24 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत होगी। 25 किलोमीटर दूरी के अंदर 10 वर्ष के लिए यह खरीदारी की जाएगी। हरियाणा में 234 टन प्रतिदिन क्षमता से CBG प्लांट स्थापित करने के लिए 24 फर्मों के 38 परियोजना प्रस्ताव दिए गए हैं। वहीं थर्मल प्लांटों में भी इसका उपयोग किया जाएगा। वहीं बैठक के पश्चात बिजली मंत्री ने मीडिया से कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुझ पर भरोसा करके महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसे में मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं काम करके दिखाऊँ। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वह किसी भी समय आकर मुझसे सीधा मिल सकता है, लेकिन काम करने के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। आप देखें पल पल की एक विशेष रिपोर्ट। हमारी प्रायोरिटी है कि गांव में बिजली 24 घंटे दी जाए। बहुत जिलों में ये हो रहा है। कुछ जगह ऐसे केसेस थे कि जहाँ डिफॉल्टर थे, लोग बिल नहीं पे कर रहे थे, उनमें थोड़ा रोका जाए। कई गांवों में बिजली घर बने हैं, उसके बाद भी 24 घंटे नहीं दी जा रही, तो उसका रीज़न गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वहाँ डिफॉल्टर ज़्यादा हैं, इस करके वो रोका गया था। पर अब लोग आहिस्ता आहिस्ता, जो मेन बेल्ट थी वो भादरा आपका बाडरा, इसके बाद जींद था या पानीपत का एरिया था, गोहाना था, वहाँ बड़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले एक साल में। और आज से हमने ये फैसला किया, एक तो बिजली 2 दिन से हमने बढ़ा दी, पहले जो 8 घंटे जा रही थी वो अब 10 घंटे जाने लगी गांव में। और दूसरा, बड़ा तेज़ी से हम कुछ लगा रहे हैं, जैसे पराली की समस्या थी, हमारे 4 सेंटर आ रहे हैं जिनमें हम अभी लग रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगले एक साल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं, वो भी हम इससे करने जा रहे हैं कि जितनी पराली होगी सारी हरियाणा में, टोटल कोई 40,000 टन है और हमारी जो उठाने की कैपेसिटी होगी 50 लाख टन, तो वो हम आपको, वो हरियाणा में सबसे बड़ी है जिसमें हम लीड करेंगे। दूसरा, बड़ी आज मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि गांव में जितनी केबल्स हैं, शहरों में जा रही है, गांव में जा रही है, मकानों के ऊपर से जा रही है या शहरों में नीचे ज़मीन पर लग रही है। हमारे सिरसा में ये हुआ कि अभी इस बरसात के सीज़न में वो नीचे लग गई, उससे 2 बच्चों की डेथ होगी, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। तो हमने ये करा कि इसे ऑन वार फुटिंग, मैंने ऑफिसर से कहा 1 हफ्ते में करेंगे, तो कहने लगे जी हमें 15 दिन दे दो। 15 दिन में पूरे हरियाणा में जो गांव में लूज तारे हैं, ज़मीन पे लग रही है या छतों पे लग रही है, उनको 15 दिन में हम कर देंगे, कोई जगह नहीं बचेगा। अगर इसके बाद किसी अधिकारी को हमने दोषी पाया तो उसको इमीडिएट सस्पेंड, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये हम करने जा रहे हैं जी। दूसरा, जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम आया है उसे हम बहुत लार्ज स्केल पे लोगों में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें एक डानी जो खेतों में ज़्यादा, ये सिरसा फतेहाबाद हिसार उस एरिया में ज़्यादा है, वहाँ हम ये करेंगे कि जो डानी वाला है उसको बड़े सस्ते अमाउंट में 12,000 कोस में 3 लाइटें, 1 बल्ब और 1 आपका मोबाइल चार्ज करने का 1 पॉइंट वो दे दिया जाएगा। तो जैसे फार्मर्स हेड पे अगर 2 लाख रुपये वो खर्च करके जाता, पोल लगा के जाता, तो उसे बड़ा महंगा पड़ रहा था, ये मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा लोगों को सहयोग करने जा रहे हैं, इसमें बड़ा बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा गांव में रहने वाले लोगों को। मेन जो थी वो ये बातें थी।